शिवांश फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म अर्धांगनी आने वाली 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस पर बिहार झारखंड के सभी सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हो रही है। पिछले दिनों रिलीज की गई फिल्म के ट्रेलर और गाने दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किए गए थे, जो बी फॉर यू भोजपुरी द्वारा यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। बताते चले कि अभिनेता सूरज सम्राट इस फिल्म के भोजपुरी पर्दे पर पहली बार पदार्पण कर रहे हैं। दर्शकों को नया व फ्रेश चेहरा बेहद पसंद आएगा। इस फिल्म के निर्देशक सूरज राजपूत हैं। हालांकि अभिनेता सूरज सम्राट अपने गृह क्षेत्र में कई कार्यक्रम अपने शानदार अदायगी को लेकर सम्मानित भी किए जा चुके हैं। फिल्म में सूरज सम्राट के साथ नायिका अंजना सिंह और शुभी शर्मा है। फिल्म के लेखक रामचंद्र सिंह, सिनेमेटोग्राफी प्रमोद पांडे का है, जबकि गीतकार राजेश मिश्रा, रामचंद्र सिंह, अशोक सिन्हा, पंकज प्रियदर्शी व अख्तर कैमूर के लिखे संगीतों को सजाया है। अर्धांगनी एक नारी सशक्तिकरण के विषय पर आधारित पर केंद्रित है। इसमें एक नारी के जीवन में आने वाले विभिन्न उतार चढ़ाव, त्याग व बलिदान करने वाली एक आदर्श नारी की बेहतरीन नई कहानी को भोजपुरी पर्दे पर फिल्माया गया है। यह एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है जिसमें कॉमेडी, एक्शन, रोमांस आदि चीज़ों का समुचित मिश्रण है। फिल्म की शूटिंग बिहार के कैमूर रोहतास जिले के अंतर्गत भभुआ में भी रमणीय जगह पर की गई है। फिल्म के अभिनेता सूरज सम्राट फिल्म को लेकर कहते हैं कि यह फिल्म मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें फिल्म के सभी कलाकारों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। पूरी टीम ने बेहतरीन ढंग से मेहनत किया है। अंजना सिंह व शुभी शर्मा ने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से दर्शकों को लुभान्वित करने वाली है। फिल्म के निर्देशक सूरज राजपूत ने अर्धांगनी के रूप में एक ऐसी फिल्म की रचना की है जिससे उम्मीद है कि इस फिल्म को महिला दर्शक निश्चित रूप से बहुत ही पसंद करेंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।